हेलो गाइस, हमारे साथ है प्रशांत बलिया और उन्होंने एक अमेजिंग सक्सेसफुल करियर ट्रांजिशन किया है डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री में। अब हम कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा स्टोरी समझने के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किया है। डेफिनेटली गाइस, आप लोग ये पॉडकास्ट से बहुत सारे इनटेक्स और आउटटेक्स ले पाएंगे, क्योंकि प्रशांत ने जो चैलेंजेस फेस किया और उसको ओवरकम करके उन्होंने कैसे ट्रांजिशन किया है, वो सारा का सारा स्टोरी हम लोग सुनने वाले हैं। सो प्रशांत, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। बहुत ही खुश हूँ यार, मैं आपसे 15 मिनट पहले बात किया हूँ, बट इतना सारा एनर्जी, इतना सारा नॉट गिविंग अप वाला एटीट्यूड जो आपका है वो काफी अमेजिंग है। सो प्रशांत, हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बेसिक इंट्रो से आपका, कि कब आपने स्टार्ट किया था, क्यों डेटा साइंस, है ना, और आपके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, उस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। Thank you, Chris sir. Thank you. Thanks for having me on this podcast. Okay. Total मुझे 8 साल का experience है और मैंने अपना career as a BI developer start किया था एक product based company से। वहाँ पे manually BI का data integration करता था मैं एक applications के साथ में। फिर वहाँ पे मैंने एक company है, EdTech company है, जिससे मैंने पहले एन्यूरन से पहले स्टार्ट किया था। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती थी सर, वहाँ से मैं पढ़ता था। पढ़ने के बाद फिर मेरे को लगा कि मैं डेटा साइंटिस्ट बन गया हूँ एक्चुअली, जो कि एक मेरा मिथ था, ठीक है। फिर मैंने सर वहाँ पे इंटरनली मैंने IGP निकली, वहाँ पे मैंने ट्राई किया। फिर उन्होंने मेरे को इतना हैविली वो यूज़ नहीं करते थे, NLP बेस्ड वहाँ पे पूरा मॉडल था। फिर मैं वहाँ पे 1 साल तक स्ट्रगल करता रहा काम लेने के लिए, मुझे काम नहीं मिला एक्चुअली। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक टास्क दिया विच इज़ क्वाइट एडवांस। तो उसमें क्या हुआ सर कि बाद में उन्होंने मेरे को 2 हफ्ते का टाइम देके उन्होंने एनालाइज किया कि आपने तो कॉपी पेस्ट किया है कोड, आपको कुछ नहीं आता है। और कोविड की फर्स्ट वेव में मुझे इमिडिएट इफेक्ट पे टर्मिनेट कर दिया बिना किसी नोटिस पीरियड के सर। ट्रिगर पॉइंट वही था सर, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट था वहां से एक्चुअली मेरे अंदर आया कि नहीं, मेरे को यही देखना है कि डेटा साइंस है क्या, और इसको साइंटिस्ट क्यों बना दिया। और मतलब साइंटिस्ट वाला ऐसा क्या है कि जो मतलब कि वो कर सकते मैं नहीं कर सकता, ठीक है। स्टार्ट किया सर BI डेवलपर पे, HCL ज्वाइन करी। HCL ज्वाइन करने के बाद में सर आई वॉज सर्चिंग कि कहाँ पे मेरे को कंटेंट मिल सकता है, मेरे को डीप डाइव सीखना है। मेरे को ये नहीं सीखना कि रिकॉर्डेड वीडियोज देखी और मैं बस बोल दिया कि हाँ हो गया। मेरे को एल्गोरिथम्स वगैरह जो भी है पूरा डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी मैं पढ़ूँ, मुझे वो अच्छी तरह से पढ़ना है। पर तो सर क्या हुआ कि मैं इंटरेक्ट किया कुछ लोगों के साथ में, वहाँ से मुझे पता चला कि iNeuron भी कुछ कर रहा है मार्केट में और वो ऐसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही चीप कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने सर मेरे को पहली बात तो आपको यकीन नहीं हुआ। मैं पहले 2 लाख रुपए लगा के आ रहा हूँ और मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं और वो भी बेसिक। मैंने कहा 17, फिर मैंने कंटेंट सिलेबस देखा फरवरी 2021 बैच का, मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, 17,000 में 18,000 में कौन ऐसे कंटेंट दे सकता है, मैं बिलीव ही नहीं कर रहा हूँ। फिर सर मैंने कुछ लोगों से कनेक्ट किया जो इंटर्नशिप कर रहे थे ऑलरेडी लिंक्डइन पे, उनसे मैंने फीडबैक लिया कि भाई मतलब कैसा कंटेंट है, कैसे वो लोग पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोला बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड किया। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की, उन्होंने बोला कि तू 2 लाख लगा के आया है, 17,000 और लगा के देख ले, क्या पता कुछ हो ही जाए। तो सर मैंने 18,000 पे करके मैंने 2 महीने बाद ज्वाइन किया फरवरी 2021 में। तो मैंने जुलाई तक सर मैंने वो कंटिन्यू किया बैच। जुलाई में क्या हुआ कि मेरे पापा है वो, माई पापा वो सफरिंग फ्रॉम कैंसर एट दैट टाइम, तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ जुलाई में। तो मैं आई एम द ओनली वन वो कैन टेक केयर ऑफ। तो मुझे, मेरा गांव पड़ता है सर 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, तो मुझे पापा का ट्रीटमेंट दिल्ली में चल रहा था तो मुझे अप डाउन करना पड़ता था, मुझे ही पापा को लेके जाना पड़ता था कीमोथेरेपी वगैरह के लिए। तो सर ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। तो मैं भी थोड़ा सर फिजिकली और मेंटली दोनों ही पूरा डाउन हो चुका था। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया फरवरी बैच के साथ में। तो सर नवंबर में माय फादर वाज पास्ड अवे। तो उसके बाद सर
मैंने गिव अप नहीं किया, मतलब लिटरली क्योंकि पापा का भी सपना, मेरे पापा फार्मर थे तो उनको मैं अगर कुछ भी बताता था, मतलब मैं प्राउड सन हूँ एक फार्मर का कि मैं गांव से आया हूँ, सर मैं ऐसे पढ़ाऊँ कि मैं 8th क्लास तक तो मुझे, मैं गांव में पढ़ाऊँ, मेरे पास बैग नहीं होता था जिसमें खाद डालते हैं ना गांव में खेत में, वो मेरा बैग होता था। 8th क्लास तक मेरी ऐसी स्टडी हुई है। तो सर मैं मतलब पापा के जाने का, पापा मेरे टेक्निकली समझते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं पापा को बताया हुआ था कि मैं ऐसे AI का कुछ कर रहा हूँ, डेटा साइंस का, और अच्छा है मतलब मार्केट में बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो पापा का भी एक सपना था कि मैं पहले 2 लाख लगा चुका था और अभी भी कर रहा था, और बीच में वो डिसकंटिन्यू हो गया था, और ऊपर से मेरा लास्ट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने मुझे बोला कि आपको तो कुछ नहीं आता। तो सर ये 2 ट्रिगर पॉइंट ऐसे थे मेरे लिए लाइफ के। तो वहाँ से मैंने फिर नवंबर में पापा गए, तो दिसंबर में मैंने कनेक्ट किया वापस iNeuron के मार्केटिंग टीम के साथ में। उन्होंने मुझे बोला कि आपको पे नहीं करना है सेकंड बैच के लिए जो नवंबर में स्टार्ट हुआ है, हम आपको एज इट इज ली आपका कैंडिडेचर मतलब प्रोफाइल ट्रांसफर कर रहे हैं नवंबर बैच में। तो सच में मतलब वो एक मेरे लिए मतलब बहुत ही, मुझे ऐसा लगा कि 18,000 रुपये इट्स नॉट ए बिग कॉस्ट, लेकिन फिर भी मेरे लिए ऐसा था कि iNeuron ने मुझे सपोर्ट किया है इस मोमेंट में। ठीक है, मैं फाइनेंशियली भी थोड़ा सा डाउन था उस टाइम पे पापा के उसमें, तो मुझे, मैंने फिर वहां से एक भी वीकेंड मिस नहीं किया, मैंने लास्ट तक गुड बाय तक मैंने नवंबर 2021 बैच को कंटिन्यू किया। मैं अपनी फैमिली वालों को बोलता था वीकेंड में आप, वीकडे में मुझे आप कुछ भी बताओ, मैं वीकेंड में बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। वहां से सर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अब आते हैं सर इंटरव्यू पार्ट पे कि मैंने क्या किया, मैंने पूरा आप नवंबर बैच जब स्टार्ट किए थे कब से इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया आप, स्टार्ट मशीन लर्निंग के बाद से ये देना स्टार्ट कर दिया? नहीं 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 सर, मैंने मैंने सोचा था कि मेरे को पूरा बैच को थोरोली पढ़ना है, जो भी पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग होगा जिसमें भी मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी मैं उसके साथ में फिर इंटरव्यूज कंटिन्यू करूंगा। तो सर क्या हुआ कि मैं पूरा पढ़ा, फिर मेरे को चैलेंजेस आए कि मेरा 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर मैं फ्रेशर्स के साथ ज्वाइन करूंगा तो कोई एंटरटेन नहीं करेगा मुझे, तो मुझे कुछ तो ऐसा करना है, कुछ तो प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाने हैं जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं इंटरव्यू में कि हाँ एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आप मेरा गिटहब प्रोफाइल देख सकते हो, आपको मैं अपने मॉडल्स जो मेरे अप एंड रनिंग है मैं उनको आपको उनका प्रेडिक्शंस जो चल रही हैं वो दिखा सकता हूँ। तो मुझे वो लेवल थोड़ा सा अचीव करने में टाइम लगा क्योंकि 8 years ऑफ एक्सपीरियंस पे हर किसी की सर थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया सर कि मैंने पूरा बैच कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर इंटरनल HCL में ही मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया सर। मैं क्योंकि BI डेवलपर का काम करता था तो मेरे पास डेटा वेयर हाउस भी था, सब कुछ था, मैंने अपने UAT से डेटा उठाया, लाइव डेटा नहीं था, UAT से डेटा उठाया, मैंने उसमें 2 महीने तक मैं सर रिसर्च करता रहा, रिसर्च पेपर को देखता रहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ इसमें, फिर मेरे को आइडिया मिल गया, फिर मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, डेटा एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया। डेटा एक्सट्रैक्शन में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया सर, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मैंने खुद से मैं कर रहा था उसको, डेटा एक्सट्रैक्शन किया, डेटा एक्सट्रैक्शन करने के बाद में मैंने सर वो पूरा प्रोजेक्ट बनाया, एक पूरा प्रोफाइल बनाया, उस प्रोजेक्ट को मैंने एक्चुअली अपना शोकेस किया CV में। वैसे मेरे सर iNeuron के साथ में मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने अदर प्रोजेक्ट्स में दिखाए, और जो मेरा मेन प्रोजेक्ट था वो मैंने अपना एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट दिखाया एंड टू एंड पूरा। तो सर ये मैंने स्टार्ट किया था अपना इंटरव्यूज देना इस मार्च एंड से, अप्रैल स्टार्टिंग से, और सिर्फ 3 महीने में सर मैंने 7 इंटरव्यूज दिए हैं, 7 इंटरव्यूज में मेरा सक्सेस रेट, 4 मेरे पास ऑफर लेटर है 7 में से, 3 इंटरव्यूज में 1 की पोजीशन होल्ड पे चली गई, तो इस वो फुल्ली करेक्ट था सर, मेरे को मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी इनिशिएट हो गया था, वो पोजीशन होल्ड पे चली गई, तो फिर उन्होंने पोजीशन इनिशिएट भी की लेकिन वो लोकेशन बेंगलुरु आई, तो मुझे दिल्ली NCR चाहिए थी तो इसलिए वो फिर ड्रॉप करनी पड़ी। 5th वाले में सर सेकेंड राउंड में मेरे साथ इंटरव्यूअर के साथ थोड़ा पंगा हो गया, पंगा नहीं हुआ सर, वो एक्चुअली उन्होंने मेरे स्किल सेट्स पे कुछ ऐसा बोला जो कि मुझे हमेशा कुछ बातें याद आती कि आप बोलते थे, सुधांशु सर बोलते थे कि कब जब भी हम लाइव क्लास में रहते थे तो बोलते थे
कि हमसे कभी पंगा ना लेना, हम आईन्यूरन के स्टूडेंट्स हैं। तो वो सर थोड़ा सा ना वो वाला चीज भी थी मेरे अंदर, मैंने कहा मैंने पढ़ा हुआ है, वैलिडेट किया हुआ है, जो मैंने पढ़ा है वो उतना मुझे पता है कि वो ठीक है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है जो कि मैं अभी कमिट नहीं कर सकता कि हाँ मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बट जितना मैंने पढ़ा है वहां तक मैं ठीक हूँ, मुझे पता है। तो सर वो मेरा थोड़ा उनके साथ में, इंटरव्यूअर के साथ में उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी तो एंट्री लेवल स्किल सेट्स है, आपका तो कुछ नहीं है, तो ये ऐसे करके फिर उन्होंने मेरा सेकेंड राउंड कराया एक दूसरे कैंडिडेट के साथ में, दूसरे इंटरव्यूअर के साथ में, वो मेरा क्लियर हुआ सर। फिर मैंने खुद से वो कैंडिडेचर ड्रॉप कर दिया उस कंपनी से कि नहीं अभी मुझे आगे आप कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि बस मेरे को सिर्फ ये था कि आपका इंटरव्यू पैनल भी गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट ही गलत हो हर टाइम इंटरव्यू में। तो मेरा एक एडवाइस हो रहा है सर, जो भी कोई फ्यूचर में इंटरव्यू दे, हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखे, पहला कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, दूसरा अपना फीडबैक अगर हो सके तो एचआर से जरूर ले, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा कि आप कहाँ पे गलत थे और आपको क्या इम्प्रूव करना है अपने स्किल सेट्स में। कभी भी नेगेटिव मत ले, क्योंकि सर हमेशा ना मैंने रिजेक्शन को रिजेक्शन की तरह देखा, मैंने बहुत इंटरव्यूज दिया लाइफ में, मेरा सिर्फ एक ही चीज रहती थी सर, मैं प्रेशराइज नहीं रहता था, मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरे को मिलता है मैं उसको भी थोड़ा मोटिवेट, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव, इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं है ये सर, नाम इंटरव्यू दिया है बट वो इंटरव्यू नहीं है, अरे हमने सीखा है और सामने वाला सीखना चाहता है, ऐसे आप आ जाओ ना, तो आप ऐसे अगर बात करोगे ना कि सामने वाले को पता नहीं, बस आपको बताना है कि भाई हाँ ये भी कुछ चीज होती है, उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में भी तो हम डिस्कशन करते हैं, वहां पे तो नहीं होता हम लोग ऐसे नर्वस, हम इंटरव्यू में क्यों हो रहे हैं नर्वस, अरे वो ये समझ लो कि सामने वाले को आता नहीं है उस, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, हमें उसको समझाना है कि भाई ये चीजें ऐसे होती है, तो अगर ऐसे जाएंगे तो कभी भी इंटरव्यू में आप नर्वस नहीं होंगे। और मैं सर मेरा यही सर, इसमें एक क्वेश्चन आप एक चीज बता दीजिए कि ये इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होता था, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज का क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता था, क्या क्या चीजों में फोकस करना पड़ता था? कोई भी इंटरव्यू एडवांस लेवल पे नहीं गया सर मेरा, सारे इंटरव्यूज बेसिक्स थे, बेसिक्स मींस स्टैट्स की बात करो, आउटलायर क्या होता है, नोवा टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, कब यूज कर सकते हैं, स्टैट्स के इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे सर, ठीक है, अगर मिसिंग वैल्यूज है तो उसको हम कैसे इम्प्यूटेशन कैसे होता है मिसिंग वैल्यूज का, तो मतलब बेसिक, लेकिन वो बेसिक कैसे थे सर कि आपको बेसिक बेसिक के तरीके से आंसर देना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप फिर उसमें मिक्स एंड मैच कर रहे हो किसी चीज का, लेकिन होता बिल्कुल बेसिक है सर इंटरव्यूज, कोई भी मैंने 8 साल एक्सपीरियंस पे दिया है जिसमें मैंने अपना 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंस शो किया है, मेरे को जितनी भी एक्सपेक्टेशन मैं एक्सपेक्ट करके चला था इंडस्ट्री से इंटरव्यू देने के टाइम पे, उससे नीचे ही रहा है सर मेरा, ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मेरे को यहाँ पे मिलेगा स्टैंडर्ड इंटरव्यू का, लेकिन वो मिला यहाँ पे, क्योंकि रीजन मेरे बेसिक्स क्लियर थे तो मुझे वो वैसा लगा कि यहाँ तक इंटरव्यू स्टैंडर्ड्स है। तो कुछ नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, ओनली बेसिक्स एंड प्रैक्टिस, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एनफ कि आप जो बता रहे हो वो सही बता रहे हो, आपने पढ़ा है वो अच्छा है, उसको ईजिली बताओ, शॉर्ट क्रिस्प आंसर दो, दैट्स इट। कोई इसमें ऐसा नहीं है सर कि मेरे को ऐसा लगा हो किसी भी इंटरव्यू में कि किसी ने ऐसा पूछ लिया कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मुझे तो मैंने आज तक मैंने सुना ही नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी इंटरव्यू मेरा नहीं गया सर। हाँ डिपेंड करता है कि डोमेन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं कि मेरे साथ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा लास्ट एसएनडीएम का एक फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू था जिसमें 4 लोगों का पैनल बैठा था, 4 लोग टेक्निकल मशीन लर्निंग से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उनका टोटल सिनेरियो बेस्ड मेरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू था सर, उन्होंने सिनेरियो बेस्ड में सिर्फ ये पूछा कि हमारा एक सपोर्ट सिस्टम है तो उसमें हम क्या क्या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैसे कैसे हेल्प कर सकती है, तो इस टाइप के भी आ सकते हैं। एक मेरा इंटरव्यू ऐसा था कि जिसमें उन्होंने उनका जैसे F1 फॉर्मूला रेस होती है, कार रेसिंग होती है, तो कार रेसिंग में आप क्या क्या AI इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, मतलब कैसे क्या क्या चीज आप अचीव कर सकते हो उसमें, या फिर आपको टेस्टिंग करनी है, ऑटोमेटेड कार है आपको टेस्टिंग करनी है तो आपको कैसे क्या क्या एनवायरमेंट्स चाहिएंगे टेस्टिंग करने के लिए, तो मोस्टली बेस्ड ऑन यूज केसेस आप बोल सकते हैं, करेक्ट, सिनेरियो बेस्ड, यूज केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं। अगर टेक्निकल की बात करूं सर, मशीन लर्निंग, NLP, डीप लर्निंग, मैंने तीनों पे इंटरव्यूज दिए हैं सर, तीनों में बेसिक्स,
मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बेसिक्स एंड हाइपर पैरामीटर्स और वो कैसे काम करती है, ठीक है। उनके अराउंड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, स्केलिंग, ये सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट वो भी बेसिक ही होंगे। डीप लर्निंग में ऑप्टिमाइजर्स और एक्टिवेशन फंक्शंस और न्यूरल नेटवर्क्स के ड्रॉपआउट्स, ये मतलब अपना ओवरफिटिंग प्रॉब्लम्स जो रेगुलराइज्ड अपने टर्म जो रेगुलराइज्ड अपनी वो होती है जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, हाँ, कोरेस्पोंडिंग पोर्शंस, करेक्ट, L1 L2 नॉर्म्स, हाँ, L1 L2 ड्रॉपआउट्स, ये सब मिन मैक्स। फिर उसके बाद सर NLP में मोस्टली आजकल LLMs के बेस्ड LLM बेस्ड हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अपना जो आपके वीडियोस हैं सर वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। आप YouTube पे आपकी NLP प्लेलिस्ट है तो वो मैंने देखी सर, उसमें जो भी आपने पढ़ाया उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाता। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप NLP में प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती है, टोकनाइजेशन होती है, लेमेटाइजेशन और स्टैमिंग, ये सब जितनी भी टेक्निक्स, सिर्फ यही बैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है, TF IDF क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई ट्रिकी क्वेश्चन। LLMs में ट्रांसफॉर्मर बेस्ड थोड़ा पूछ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है, अटेंशन ब्लॉक क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल, कोई ऐसा NLP में नहीं था। मतलब बेसिक आर्किटेक्चर के ऊपर ही, मतलब बेसिक आर्किटेक्चर बेस्ड क्वेश्चन बस ये। और दूसरा, मेहनत, कभी भी ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, अगर ये सोच लिया तो नहीं हो पाएगा, वो तो फिर तो भगवान भी आएगा तो बोलेगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पहला थंब रूल। अगर कंसिस्टेंसी है तो ही पेशेंस भी आ पाएगा, और पहले एक्शन आएगा तभी मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन पहले लेके नहीं आ पाओगे। आप पहले इम्प्लीमेंट करो, देखो, इंटरेस्ट जगाओ और मोटिवेशन लेके आओ, करो, बिल्कुल इजी लगेगा। मैं लिटरली मैं खुद का मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना इजी, वो इजी भी तभी हुआ सर कि मेरी मैं कभी कंसिस्टेंसी लूज नहीं करी, मैंने कभी पेशेंस लूज नहीं किया, मेरे बस ये था कि मिल जाएगी मुझे, मुझे खुद के ऊपर विश्वास है मैं क्रैक कर लूंगा इंटरव्यूज। और बताइए, iNeuron और PW स्किल से आपको मेंटर्स कैसे मिले, सपोर्ट, मेंटर्स, टीचिंग वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, मतलब आप क्या आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो सारे पता, मतलब बता कर पाए, हम लोग प्रोजेक्ट्स उस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए इसमें। iNeuron मैंने iNeuron पहले iNeuron था, अभी PW स्किल्स हो गया, तो जब मैंने ज्वाइन किया तब iNeuron को ही ज्वाइन किया था मैंने, तो सर मुझे तो मैंने लाइक आई सेड कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ पहले कि ऐसा भी कुछ मिल रहा है, पहले तो वही था क्वेश्चन मार्क। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मतलब जो पढ़ाने का तरीका है ना सर, मतलब एक ना सब कुछ सीख लेना और उसको डिलीवर करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान को सब कुछ आता है वो इजिली डिलीवर कर पाए, सिखाना किसी को ना एक चैलेंजिंग वर्क होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सीख लिया तो सब कुछ सीख सकते हैं, मैंने सीखा तो सब सीख सकते हैं, क्योंकि मैं क्या था और मैं मतलब खुद पे कितना अभी मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है सीखने के बाद, ये तो मैं वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये हुआ तो सर तभी ना जब मैंने आपने मुझे सिखाया और मतलब मैंने वो चीज सीखी, तो हैंडशेक वाली चीज है सर, दोनों तरफ से होगा तो ही हो पाएगा। आप लोग, मैं इतना सर, आप लोग ट्रांजिशन स्टोरीज को डिस्कस करते थे मतलब क्लासेस के टाइम पे भी, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग कर रहे हैं मतलब पढ़ा रहे, इतना अच्छे से पढ़ा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कितने मतलब 300-400, 700-800, 1000-1000 लोगों का बैच एक साथ से इतनी क्वेरीज को कर रहे हैं, कितना पेशेंस है। ये पेशेंस हमें तो सिर्फ इतना ही दिखाना है कि पेशेंस की हमें जॉब लेनी है, और ये लोग इतना पेशेंस हम लोगों के साथ बियर कर रहे हैं, 24/7 सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब ट्रिमेंडस, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई इस चीज को अभी तक तो कोई बीट नहीं करने वाला, ना कोई इसके बारे में बोलने वाला है, ये तो मैं पक्का बोल सकता हूँ दावे के साथ में कि इस चीज को तो अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। फ्यूचर में क्या हो सर वो नहीं पता, लेकिन अभी तक तो नहीं है। और आपका एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग कंटेंट वाइज, वही मैं पूछ रहा था, रिकॉर्डिंग वाला जो पुराने वाला उसका, हाँ सर मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि रेट थोड़े बढ़ा लो सर, सस्ते हैं बहुत ही चीप हो गई है, विश्वास नहीं होता लोगों को बताने में कि 18,000-20,000 में फुल स्टैक डेटा साइंस मिल रहा है,
लोगों को विश्वास नहीं होता, थोड़ा बढ़ा के बोलेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ नहीं डेटा साइंस ही पढ़ा रहे हैं, सीरियस सीरियस बढ़ जाएगा मेरे को लग रहा है थोड़ा और बढ़ा देंगे, बट नहीं नहीं हम लोग ऐसा डिसाइड नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली डिसाइड करते हैं कहाँ पे मिनिमल प्रॉफिट हो हम लोगों को और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिशियल हो। करेक्ट सर, नहीं आई अप्रिशिएटेड, लिटरली आई अप्रिशिएटेड सर, क्योंकि मेरे को मैं जब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, मुझे तो एन्यूरोन ने सर मेरी प्रोफाइल को मूव किया था फरवरी से नवंबर, तो उस टाइम पे मुझे पता लगा था कि 18,000 रुपए की भी एक वैल्यू है लाइफ में बहुत, जो कि मैं अभी पे नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेरा कंटिन्यू हो गया जब मैंने चाह, मेरा बीच में डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, तो वो मैं तब समझ सकता था सर कि 18,000 रुपए भी है कुछ, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं वो उनके लिए 3,000 काफी अच्छा अमाउंट होता है, ऐसी बात नहीं, और शायद उनको एजुकेशन मिल रही है, और मैं सोच मेरे इस पॉडकास्ट से अगर एक भी कैंडिडेट इंस्पायर होकर जॉब पे लग गया तो सर मैं समझूंगा कि शायद कुछ सक्सेस मैंने ली तो मेरा कुछ पार्ट डिलीवर हो गया दूसरे के पास, एक बहुत भी हुआ यार, बहुत सही। चलिए प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ना इतना बात करके, इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर ना, मेरे को लगता है देखिए आपने जितना भी फॉलबैक्स देखा है राइट, बट आपके कॉन्फिडेंस प्रॉपर प्रोसेस से ना आप आगे बढ़े हैं और बहुत सारे चीज आप कर पाए, एंड अभी अभी आप बता सकते हैं रिसेंट हाइक कितना हुआ है आपका, मतलब स्विच में? सर बहुत अच्छा हाइक मिला है, अनएक्सपेक्टेड मिला है ऑनेस्टली रिसेशन के टाइम पे, और मेरे को काफी लोगों ने भी बोला कि रिसेशन आ रहा है अभी तो बिल्कुल मत छोड़ जॉब पे मत छोड़ ओके मैंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं मेरा ये था, मैं कभी सर इन चीजों से मैं लिटरली मेरे को रिसेशन से फर्क नहीं पड़ता, मेरा मेरी मेहनत है मुझे मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर, देर है अंधेर नहीं है ऊपर वाले के, तो ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, अगर ये जिस दिन आ गया तो छत्ते फट्टे वाली बात है सर, फिर निकल पड़ेगी। अब तो मेरे को लग रहा है आप तो क्लियरली बोल देंगे भाई लाओ इंटरव्यू, भाई इंटरव्यू दो हमें, मेरे को सर पैक कर देंगे, मैं आज भी इतना इंटरेस्टिंगली ज्वाइन कर दो ना इंटरव्यू को, मेरे को रहता है कि इंटरव्यू हो जाए बस, आ जाए इंटरव्यू कहीं से मिल जाए इंटरव्यू, मैं डिस्कशन में उतर जाता हूँ सर, और इंटरव्यूअर सर हाफ एन आवर का 1 आवर का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, स्ट्रेच हो रही है कोर्स, वो मुझे बोल रहे हैं कि हम तो टाइम से ओवर हो गए, मैंने कहा कोई बात नहीं चल रहा है इंटरव्यू अच्छा, तो हमारा मेरा इंटरव्यू कभी 1 आवर में कंप्लीट ही नहीं हुआ सर, मतलब इतना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो जाता था कि उसको भी मजा आ रहा है मुझे भी मजा आ रहा है और हमारा स्ट्रेच ही हो रहा है, मतलब 10-15 मिनट हमारा स्ट्रेच हो जाता था हर इंटरव्यू ऐसे, कभी इंटरव्यू टाइम से पहले कंप्लीट नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, मतलब कॉन्फिडेंटली सारा चीज चल रहा है इन शॉर्ट राइट। हाँ सर, तो प्रशांत जी थैंक यू फॉर हैविंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट, मैं आपका लिंक्डइन आईडी यूट्यूब चैनल के लिंक में दे दूंगा गाइस, सो एनीबॉडी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप प्रशांत जी को पूछ लीजिए, काफी हेल्पफुल बंदे हैं, आपको सारा का सारा गाइडेंस दे देंगे, 24/7 नाइट में भी किसी भी टाइम, लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको बेसिकली निराश नहीं होना चाहिए राइट, उनको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, लर्निंग्स मिलते जाएगा, थोड़ा स्लो होगा बट मिल जाएगा एक टाइम, क्या बोलते हैं आप, डू यू एग्री विद स्लो एंड स्टडी विन द रेस? ओके परफेक्ट, सो गाइस ये था हमारे तरफ से, प्रशांत जी थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड, आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, टेक केयर।